बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर मैमुना है एंड टुडे द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज हैंसन्स डिजीज़। द सोल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू मेक स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट इज हैंसन्स डिजीज़। इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। It is an acid-fast bacilli. The route of transmission is from untreated and infected patients' nasal secretions and skin lesions or contact with armadillos. This is an armadillo. इसको उर्दू में बख्तरबंद ऊँट भी बोलते हैं। इसके ऊपर 9 banded एक shield होती है जिसको हम that's why इसको हम बख्तरबंद ऊँट बोलते हैं। इसके risk factors में आ जाता है close contacts, age between 5 and 15 and older than 30 years old, genetics, immunocompromised people, for example those who are on chemotherapy or who are HIV positive. Leprosy ke pathogenesis pe moving on, it invades through epithelium and into peripheral nerves, obligate intracellular, lives within macrophages. It is a slow growing organism and grow most fastest and efficiently at 23 to 33 degrees Celsius. Affects the coolest parts of the body, for example eyes, nose, skin and mucous membranes of the upper respiratory tract. Moving on to the subtypes, there are three main types of leprosy. Number one is posse bacillary, jisko hum tuberculoid leprosy bhi bolte hain, borderline or mixed leprosy, and posse multi bacillary, that is lepromatosis leprosy. So how to distinguish between these three clinically? The first one, as you can see in posse bacillary, wahan par there is a hypopigmented patch on the skin. Hypopigmented means ke wahan pe pigment kam hua hua hai lekin completely khatam nahi hua. Posse bacillary ko mostly clinically vitiligo ke saath bhi confuse kiya jata hai. So iske differentials mein vitiligo bhi aata hai, jisko urdu mein full berry bolte hain या चंबल बोलते हैं। इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है इन दोनों की लीजन्स में कि पॉसी बैसिलरी में स्किन हाइपोपिगमेंटेड होती है जबकि विटिलाइगो में स्किन डी पिगमेंटेड हो जाती है, मींस के बिल्कुल चौकी वाइट कलर का डी पिगमेंटेड पैच होता है स्किन के ऊपर। बॉर्डर लाइन और मिक्स लेप्रेसी में जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक रेस्ड लीजन वाला रेड एरिथमेटस पैच नज़र आ रहा है जो कि सेंट्रल से भी हाइपर पिगमेंटेड है बजाय इसके कि वो हाइपो पिगमेंटेड हो। मल्टी बैसिलरी के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफ्यूज्ड सी लीजन्स हैं। एक आदमी है जिसके आप देख सकते हैं कि इनके आईब्रोज के ऊपर, नोज पे और चिन पे और लिप्स के ऊपर और ईयर्स की स्किन के ऊपर नोड्यूल्स बने हुए हैं, दैट इज़ द अफेक्टिंग द कूलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो लेप्रेसी एंड अदर मैनिफेस्टेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस। सो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो लेप्रेसी के पेशेंट्स में आती है वो होती है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी जब किसी भी पेशेंट को होती है तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होता है सेंसरी लॉस। पेशेंट को दैट पार्ट ऑफ द बॉडी में कम सेंसेशंस फील होती हैं या एक एन एस्थेटिक स्किन का पोर्शन बन जाता है और सेंसरी लॉस होने की वजह से उसको कोई पिन और नीडल भी अगर चुभती है तो उसको वो फीलिंग नहीं आती, जिसकी वजह से मोस्टली एम्पूटेशन होता है। ऑप्थेल्मिक इंजरी भी होती है लेप्रेसी के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूडेड है आई मस्कुलेचर की वीकनिंग और ड्राई आईज और कॉर्नियल एब्रेशंस। थर्ड कॉम्प्लिकेशन में इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन आ जाता है जिसके अंदर टाइप वन एंड टाइप टू टाइप ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। टाइप वन जो है वो बॉर्डरलाइन लेप्रेसी पेशेंट्स के अंदर होता है और टाइप टू जिसमें एरिथीमा नोडोसम लेप्रोसम जिसको हम बोलते हैं उसके उसमें होता है और इसमें मल्टीपल पेनफुल नोड्यूल्स की इरप्शंस हो जाती हैं। डायग्नोसिस इज मेड ऑन स्किन बायोप्सी एंड हिस्टोलॉजी, एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड थ्रू PCR। नाउ मूविंग ऑन टू द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी, इसमें सिंगल लीजन पॉसी बैसिलरी की ट्रीटमेंट है सिंगल डोज ऑफ रिफम्पिन, उफ्लोक्सासिन एंड मीनोसाइक्लिन।
Possibacillary is treated by dapsone daily with rifampin monthly for 6 months, or multibacillary is treated with dapsone daily with rifampin and clofazimine monthly for 12 months, additionally low dose of clofazimine daily for 12 months. Thank you so much.